हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ स्वाति। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप कोई होममेड फ्रूट फेशियल बताइए जो कि सर्दियों में हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाए और फेयर बनाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पपाया फेशियल पैक घर में कैसे बनाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पका पपीता और इसके पल्प को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैंने लगभग 2 चम्मच मैश किया हुआ पल्प लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेसन, फिर 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच कच्चा दूध, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। मैंने लिया है पपीता। पपीता का इस्तेमाल हमारे चेहरे से डेड सेल को रिमूव करता है और हमारे चेहरे से दाग धब्बे को रिमूव करता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इसका रेगुलर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके चेहरे पर कितना भी पुराना दाग धब्बा क्यों ना हो, ये पुराने से पुराने दाग धब्बे को रिमूव करता है और हमारे स्किन को फेयर बनाता है। मैंने लिया है बेसन। बेसन हमारे चेहरे से डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है। मैंने लिया है शहद। शहद में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है जो कि हमारे चेहरे से दाग धब्बे को रिमूव करता है और हमारे स्किन को फेयर बनाता है। मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे स्किन को क्लीन करता है, डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है और हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करता है, साथ ही हमारे स्किन को फेयर बनाता है। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है और लगाने के बाद लगभग 10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना है और 10 मिनट बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लेना है। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार करते हैं तो आपका स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और ग्लोइंग हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू माई ऑल सब्सक्राइबर। बाय बाय।